इसलिए भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा। बाबा रामदेव से कुछ लोगों को इतनी दिक्कत है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो उनके पेट में मरोड़ होनी शुरू हो जाती है, और इस बार भी बाबा रामदेव ने ऐसा ही कुछ कहा है, मानो उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। आखिर बाबा रामदेव ने क्या कहा है? बाबा रामदेव ने सीधा सीधा सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने की मांग की है। बाबा रामदेव ने पहले तो इस समस्या को समझाया कि हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी भी कंडीशन में हमारे देश की, भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ से बाहर जाती है तो ऐसी कंडीशन में भारत के पास में उतने संसाधन ही मौजूद नहीं है कि वो उन आने वाले बच्चों को पाल पोस सके। आने वाली नई पीढ़ी के पास में ना तो स्कूल होगा, ना रोजगार होगा, ना सड़क होगी, ना अस्पताल होगा। हमारे पास में उतने संसाधन होंगे ही नहीं जिससे हम उन आने वाले बच्चों को एक अच्छा और सशक्त भविष्य दे सके, उन्हें एक शक्तिशाली नागरिक बना सके। और जब वो शक्तिशाली नहीं होंगे तो क्या दुनिया में उनका खाक सम्मान होगा? बाबा रामदेव ने इस पूरी समस्या का समाधान भी दिया और कहा है कि इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति तीसरा बच्चा पैदा करता है तो तीसरे बच्चे को किसी तरीके की कोई भी सरकारी सुविधा न मिले, ना ही उसे इलेक्शन लड़ने का अधिकार और ना ही उसे वोट करने का अधिकार हो। ये सब बाबा रामदेव के अपने शब्द थे जो आप उनकी खुद की जुबानी पहले तो सुन लीजिए। जिस तरह से पॉपुलेशन का बाहर बढ़ रहा है, भारत उसको ढोने में सहने में तैयार नहीं। सड़कें कम, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स कम, संसाधन कम, खेती कम, अनाज भी कम हो जाए, आखिर भारत कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इसलिए भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं, और ये तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए, तो फिर लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं। देश हम सबका है, और एक मजबूत देश जब तक नहीं बनेगा, भारत के नागरिक को दुनिया में कहीं सम्मान नहीं। अब इसमें कई लोगों को कुछ एक खामियां नजर आ रही होगी, कुछ लोग इस पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन हमारे ओवैसी भाई साहब को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। हैदराबाद से सांसद और इस बार भी चुने गए सांसद ओवैसी ने बाबा रामदेव को टारगेट करते हुए ट्वीट लिखा है। सबसे पहले तो वो ट्वीट में कानून का ज्ञान देते हुए नजर आता है कि इस देश में बोलने के लिए कोई भी कानून नहीं है, इसलिए कोई भी कैसे भी असंवैधानिक बात बोल देता है। काश ये बात ओवैसी साहब अपने भाई को समझाते और शायद वो भी असंवैधानिक बयान न देते। इसके बाद में ओवैसी महोदय ने नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। वो लिखते हैं कि इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को भी वोट देने का अधिकार नहीं है, ये बाबा रामदेव कहते हैं। अब ओवैसी ने ये बात इस आधार पर कही है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने पिता की तीसरी संतान थे। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग इसके विरोध में ही है, कुछ लोग इसके समर्थन में भी है और मानते हैं कि वाकई में देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आप चाहे स्वामी रामदेव के तरीके से असहमत हो, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा कि देश में जनसंख्या एक समस्या है और इसके लिए कोई भी इससे इतर तरीका भी ढूंढा जा सकता है। वहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को बेगूसराय में बुरे तरीके से पस्त करने के बाद में बेगूसराय के सांसद बने गिरिराज सिंह ने भी बहुत जोश जोश में बाबा रामदेव की बात का समर्थन किया और कहा कि हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। आप देख रहे हैं द चौपाल .com, मैं युवराज, और इसी तरीके के वीडियोज और पाते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक जरूर करें। और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियोज जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं, आप दिखाए जा रहे ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोज हमें जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।